हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक हैं। और इट्स बीन अ वाइल कि मैंने वीडियो बनाया भी नहीं और अपलोड भी नहीं किया। सो टुडे आई हैव डिसाइडेड टू मेक ए केक, वो भी आटा वाला केक इन प्रेशर कुकर। आप लोग अभी थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग से साउंड हो रहा हो कि प्रेशर कुकर में केक कैसा बनाया जाए, लेकिन कुछ नहीं, प्रेशर कुकर में केक बहुत ही बढ़िया बनता है। वो बचपन में मम्मी हम लोग को बनाया करते थे ऐसा प्रेशर कुकर में केक, दीदी भाई बहन हम लोग के लिए। तो वही थोड़ा सा मूड ताज़ा करेंगे। और लेकिन मैं आप बनाऊंगी केक, लेकिन आटे के बनाऊंगी, थोड़ा सा हेल्दी। मम्मी मैदा पसंद नहीं करते और मैदा इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो आप बने ही रहिए, मेरे वीडियो को देखिए कि मैं कैसे बनाऊंगी केक। तो यही मेरा केक का बैटर है। इधर में मैं अभी डाल रही हूँ अंडा, दो अंडा ढालूंगी, सोचा था दूसरा अंडा ख़राब निकल गया और हमने एक्स्ट्रा से अंडा रखा नहीं था। और ये बैटर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने आटा डाला, पानी डाला, चीनी डाला और थोड़ा सा वेनिला एसेंस, थोड़ा सा स्मेल के लिए। अच्छा, वेनिला एसेंस डालने से थोड़ा स्मेल अच्छा आता है इसीलिए, और कुछ नहीं। मम्मी भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा था कि क्या ये प्रोसीजर हम लोग थोड़ा ठीक ही तो कर रहे हैं ना, गलती तो ना हो जाए बाद में बोल के, क्योंकि साल हो गया अभी हम लोग प्रेशर कुकर वाला केक नहीं खाने वाला। बचपन में खाया करते थे मम्मी का हाथ का, जब मम्मी बनाते थे हम लोग सब भाई बहन के लिए। इधर मम्मी मिक्स कर रहे हैं अंडा को अभी बैटर में, यही है। अभी मम्मी भी थोड़ा सूंघ भी रहे कि कैसा गन मार रहे वेनिला एसेंस का। और इधर ही मेरा प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया, इधर ऊपर से डाला, टूटी फ्रूटी बोलते हैं हम लोग इधर में, चेरी छोटा छोटा सा, तो वही डाला मैंने इधर में। तो गाइस, मैंने प्रेशर कुकर में बिठा दिया अभी केक अपना, तो मैं खा रही हूँ एक बनाना बनाना। इसमें फाइबर है, अच्छा है, बनाना खाना चाहिए। एक खाती हूँ मैं बनाना। तो अभी मैं खा रही हूँ ये मैक्स प्रोटीन सॉफ्ट सा चुई सा कुकी है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद है, आप एक बार ये टेस्ट करिए। और हेल्दी भी है, आटा से बना हुआ है, ओट से, और अंदर अंदर में कुछ ड्राई फ्रूट सा भी थोड़ा सा है, और ऊपर से ये चोको चिप्स, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है, टेस्टी है, और आपको अच्छा भी लगता है और एपिटाइजिंग सा है। और मुझे, मैं प्रिफ़र करती हूँ कि ब्रेकफास्ट में, मतलब मुझे अलग अलग सा खाने के लिए अच्छा लगता है, तो यही है, मुझे अच्छा लगता है ये। एक इसका एक ड्राई फ्रूट्स वाला भी आता है मुझे, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उधर बहुत ही ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हो जाता है, इसलिए मैं यही बस प्रिफ़र करती हूँ खाने के लिए। ये मैं इवनिंग स्नैक्स में भी खाती हूँ कभी कभी मुझे भूख लगने से, लेकिन मैं ये पूरा फुल तो खा ही नहीं सकती हूँ एक बार, क्योंकि बहुत ही भरा है ये, हाफ़ रखती हूँ और हाफ़ बाद में खा लेती हूँ मैं ऐसे ही। तो मैंने इन्जॉय किया ये मैक्स प्रोटीन कुकी, ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा होता है, आप एक बार टेस्ट करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है, और आपको क्या ही चाहिए, टेस्ट भी आ रहा है और हेल्दी भी है, वो तो सबसे अच्छा ही लगता है मुझे कुछ भी चीज़ में, टेस्टी होना और हेल्दी होना है, और काफ़ी। और एक बनाना के साथ खा लेना है और पूरा पेट स्टमक पूरा फुल हो जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, एकदम अच्छा है ये, मुझे अच्छा लगता है, आप ट्राई करिए गाइस। केक बनके हो गया रेडी, जो मैंने आज बनाया था आटा का बनाया था, प्रेशर कुकर में बनाया मैंने, ऐसा कुछ डाला नहीं है मैं, बस सिंपल से बनाया और अच्छा से बन गया। तो ये स्पेशल सा केक बनाने का ये भी है कि आज दीदी का भी बर्थडे है, और आज से हम लोगों पर परिवार का बर्थडे स्टार्ट हो गया, और एंडिंग में मेरा होगा जो कि नवम्बर 8 तारीख को होगा। तो यही है आज का बर्थडे, तभी मैं केक कट करूँगी। देख सकते हैं गाइस कितना सॉफ्ट है,
पूरा वेनिला केक। टेस्टी लग रहा है। अभी सबको टेस्ट भी करा दूंगी मैं। कैसा लगा मम्मी आपको? अच्छा टेस्ट करो, टेस्ट करो। केक मजा है, अच्छा लगा। आज मेरा छोटा वाला बेटी ने उसको दीदी के लिए केक बनाया है। बहुत आज दीदी का बर्थडे था, आज दीदी का है, 6 तारीख मेरा है, 26-27 का बेटा है, और 8 तारीख का बेटी का है। पूरा लगातार है, जून से स्टार्ट है, जून में उसका पिताजी का बर्थडे था। कैसे लगा आपको मम्मी? अच्छा लगा, दिखाओ सामने से दिखाओ। ये होममेड आटा का केक बनाया, अच्छा बनाया। तभी हम लोग क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे। आपने ये कैसा लगा ये आज केक खा के? आज केक तो ठीक ही, अच्छा है। अच्छा है, क्या टेस्टी लगा है? हमने बड़ा दीदी का बर्थडे के लिए बनाया है, बहुत अच्छा। तो आज मैंने बनाया ये लंच में, इधर में मैंने जी का और चिकन सॉसेज का सब्जी बना के लंच। तो आई विल एंजॉय माय लंच, आपको मिलते कुछ देर के बाद। अभी मैं और मेरे दोस्त, दिखाई बोल दो, हम दोनों जा रहे हैं इवनिंग वॉक करने के लिए। पहले रनिंग करते थे मैं, लेकिन अभी बहुत गैप हो गया, अभी डायरेक्ट रनिंग कर भी लेगा तो अच्छा भी नहीं है। सो आई हैव डिसाइडेड कि मतलब एक हफ्ता जैसा मैं नॉर्मल सिंपल वर्क, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड वर्क, उसके बाद रनिंग करूँगी मैं। तो यही है रास्ता, आपको मिलते हैं मैं कुछ देर के बाद। हमने पहुँच गया तेजी नाला में, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो आज बहुत ही ज़्यादा वर्क कर लिया, अभी कल करेंगे मैं वर्क, आपको मिलते हैं कुछ देर के बाद। इसके बाद हम और मेरे दोस्त पहुँचा 2MB कॉफ़ी पीने के लिए। दोस्त बोला कि आज चलो, बहुत दिन हो गया कॉफ़ी नहीं पिया, तो आया इधर आज हम दोनों कॉफ़ी पीने के लिए। सो हम लोग इन्जॉय किया अपना कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा से। अभी मैं पहुँच गई हूँ घर, तो आज का वीडियो मैं इधर ही रखती हूँ, ख़त्म करती हूँ मैं अपना वीडियो। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।